दिल्ली विच वातावरण बहुत बुरी तरह दूषित हो गया और प्रदूषण की इस समस्या नूं निपटण वास्ते हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट जिहड़ी आ कोई ना कोई कड़ी टिप्पणी करती है। बीती कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंज तारा होटलों के बैठ के सिर्फ यही गोगा गाई जाना कि पराली दियां लाइया हुई अग्गां जिहड़ियां ने उह दिल्ली प्रदूषण वास्ते जिम्मेदार ने, यह गल जिहड़ी आ उह कहिंदे सानूं हजम नहीं हो रही और ये बेतर्क गल है। दूजे पासे उन्हां इह भी कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार जिहड़ी है वह बैठ के कोई ऐसी योजनाबंदी सानू सुझाउण जिहदे तहत प्रदूषण की इस समस्या का कोई सदीवी हल हो सके। गौरतलब है कि दिल्ली के वाहनों की गिणती बहुत ज़्यादा है, राजधानी दी राहां शाहराहां के उत्ते हमेशा ही वाहनों का जमघटा रहिंदा है। बहुत सारिया जिहड़ियां लारियां ने या बसा ने, ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट दीयां बसा ने या होर ढोआ ढुआई वाले वाहन ने, उन्हां दे विच्चों निकलदा हुआ धुआं भावें कि कहा गया है कि 15 साल तो वध समय तो जिहड़ियां गड्डियां चलदियां सीगियां उन्हां नूं बंद कर दिता गया, लेकिन फिर भी चोर मोरियां ऐसियां ने कि वह बदस्तूर चल ही रहियां ने। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस गल का असर होया होवे, लेकिन दिल्ली दे विच वाहनों की गिणती घट नहीं सकती। हाँ, ये जरूर है कि दिन ब दिन इस इजाफा जरूर होंदा रहेगा। ये योजनाबंदी इस तरह होनी चाहिए है कि एक दो दिन के किसी योजना बना के उसनों लागू नहीं किया जा सकता। 39 थावां के उपर दिल्ली के जिहड़ियां गड्डियां ने वह बहुत ही प्रभावित इलाकों जिथे बहुत ज़्यादा धुआं है उस तो मुक्ति हासिल करने वास्ते पानी दी बुछाड़ा मारियां जा रही ने, स्प्रिंकल किया जा रहा पानी और लोगों जड़ा है वह ये कहा जा रहा कि तुम अपने जड़िया गतिविधियां इन्हों सीमित करो। दिल्ली के जोड़े विद्यक अदारे ने बंद कर दिए गए हैं और 50% की मतलब जी संख्या है वो दफ्तर के उसकी प्रवानगी दी गई है। ज़्यादातर ही कहा जा रहा है कि ऑनलाइन घर बैठ के ही काम करो तुम और बाहर निकल तो गुरेज करो, क्योंकि जड़ा वातावरण आ बहुत बुरी तरह दूषित होया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस उदों लिया जो उन्होंने ये लगे है कि जिहड़ियां सरकारां ने या दिल्ली सरकार है या गवांढी राज्यां दीयां सरकारां ने वो इस ते कोई अमल दरामद नहीं कर रही, उन्हां कोल कोई योजनाबंदी नहीं है। हुण ये मुतालबा किया गया इन्हां सरकारां नूं, ये आदेश जारी किया गया कि छेती तो छेती कोई ऐसी योजनाबंदी सामने लियाओ और जो तुसीं बीते च करदे रहे उहनूं भुल जाओ, क्योंकि तुसीं कुछ नहीं किया, तुहाडा जिहड़ा सारा ध्यान आ होर गल्लां दी लग्गिया रहा है पर इस समस्या वास्ते जिहड़ी कि दिन ब दिन बहुत गंभीर हुंदी जा रही है तुसीं कोई मतलब निग्गर कदम नहीं चुकिया। हुण होवेगा कि यह योजनाबंदी एक दिन तां होण नहीं लगी। और दूसरी गल यह है जे हकीकतन वेखीए तां दिल्ली दीयां सड़कां दे उत्ते वाहनों की गिणती नूं काबू नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल जी जदों मुख्यमंत्री बने सन दिल्ली दे, तां उन्होंने उस वेले कुछ ऐसे कदम उठाए सन, या ऑड ईवन वाले नंबर दीयां गड्डियां सी जिहड़ियां उन्हां नूं चलाउण वास्ते एक दिशा निर्देश दिता गया सी, पर वह भी कुछ समय वास्ते ही सी। उस तो बाद फिर उही सारा जमघटा जिहड़ा सड़कां ते हो गया। गल यह है कि वाहनों की गिणती जे घट नहीं सकती तो फिर इस घटाउण का उपचार की है, या फिर यह निर्धारित किया जाएगा कि किसी घर में किन्ने वाहन होने चाहिए ने। छोटे छोटे घर भी जिन्ने मैंबर ने उन्नी गड्डियां ने, बहुत सारे दिल्ली के इलाके ऐसे ने जिथे तुसी पैदल तुर के भी नहीं जा सकते, बहुत सारे इलाके ऐसे खेतर ऐसे ने जिथे झुग्गियां झोपड़ियां ने और उन्होंने वास्ते कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए, जंगल पानी का कोई उन्हों का प्रबंध नहीं, नहाण धोण का उन्हों का प्रबंध नहीं, उन्होंने कोई गुसलखाने वर्गी व्यवस्था भी है नहीं। और गुरबत का यह हाल है कि लोग जिहड़े कि सड़कां ते तुरे फिरदे मंगदे ने उन्हां नूं रहण वास्ते भी कोई माकूल जगह नहीं दित्ती गई। तो प्रदूषण का सिर्फ एक कारण नहीं है, आवाजाई कारण है, ट्रांसपोर्ट कारण है और कारखानिया चो निकलदा जिहड़ा खतरनाक धुआं है वह कारण है, पराली की समस्या है 10% इहदा योगदान है। तो कुल मिला के इस मतलब मुसीबत नूं या इस समस्या नूं दूर करन वास्ते एक लंबी योजनाबंदी चाहीदी है और उस योजनाबंदी के तहत सब तो पहला यह होना चाहिए कि दिल्ली दीयां सड़कां ते इस तरह की व्यवस्था की जाए कि वाहन जड़े ने उन्हां दी गिणती घट होवे, या फिर ऐसे रस्ते बनाए जाण जिन्हां दे उत्ते कोई रश ना होवे और यह निर्धारित किया जाए कि किन्निये साल पुरानियां गड्डियां ने जिहड़ियां उह सड़कां ते आउणगियां और जे इस कानून की उलंघना होंदी है तो उन्हां दे वास्ते किहड़ा कानून के तहत सज़ा दित्ती जाएगी। सो जद तक ये सारे कानून नहीं बनते, जद तक कोई लंबी योजनाबंदी नहीं बनती, उदों तक प्रदूषण की दिल्ली में इस समस्या तो निजात नहीं हासिल की जा सकती। तुसी इस बारे की कहना चाहोगे? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जिहड़े लिंक्स हेठां डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हां दे साडे नाल सांझ पाओ और राजमहल टीवी के यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो।